आप जब लिख रहे हैं तो सबसे पहले आपने मेरे लिए सोचा। जब राजेंद्र जी ने जब मुझे बुलाया फोन करके, लक्ष्मी जी, और मैंने इससे पहले बता दूं मेरा इंट्रोडक्शन कि मैंने इससे पहले एक मराठी में फिल्म बनाई थी जय जय का, जो पूरी यूनक्स पे किन्नर पे बनाई थी और सुपर सुपर डुपर हिट हुई वो मेरी फिल्म, और बहुत सारे महाराष्ट्र शासन अवार्ड, बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड, सामाजिक फिल्म अवार्ड, जितने भी अवार्ड ले सकती थी मेरी फिल्म ने लिए। मुझे हमेशा मेरी बहनों से प्यार रहा है, हमेशा मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। तो मुझे रोल सुनाया गया तो मुझे बहुत शौक हुआ जब मैंने असली हकीकत सुनी आपके मुँह से, आपकी स्टोरी में मुझे मेरी आंखों से लिटरली रोंगटे खड़े हो गए, मुझे रोना आ गया। कैसे लाइफ में जिस माँ की कोख से हम पैदा होते हैं, मैं नॉर्मल, आप पुरुष नॉर्मल, और जब एक किन्नर पैदा होता है तो कैसे भेदभाव किया जाता है, किस तरह से उनको समाज में इज्जत नहीं मिलती है, वो स्टोरी है हमारी फिल्म की, उपेक्षा की। और पहली बार राखी सावंत, द आइटम गर्ल, द हॉट आइटम गर्ल राखी सावंत, उपेक्षा फिल्म में किन्नर का रोल प्ले कर रही है। मैं इसीलिए चैलेंज ले रही हूँ ये रोल प्ले करने के लिए। आप कभी भी अपने आप को हिजड़ा मत करो, नहीं मैं बताती, हिजड़े वो होते हैं जो हमारी बहनों पर हंसते हैं, हिजड़े वो होते हैं जो बलात्कार, जो बलात्कार कहते हैं। हिजड़ा शब्द जो है इसको ना बलात्कार कर दिया गया, हिजड़ा वो होते हैं जो बलात्कार करते हैं। हिजड़ा शब्द का ना जो असली मतलब है, हिजर मतलब प्रवास, इस्लाम और हिंदू धर्म का ये बहुत अच्छा कि मैं अपने कौम को छोड़ के अपने असली वजूद को ढूंढने निकलता है, वही हिजड़ा होता है, इस शब्द का मतलब है। तो ये शब्द को भी समाज ने बलात्कार दिया। बड़े किसने दिया ये शब्द, आप ही तो माँ की कोख से पैदा हुए, हम भी हुए हैं, तो जब ईश्वर ने हमारे बीच में भेदभाव नहीं किया तो समाज कौन होता है भेदभाव करने वाला, क्यों? मैं ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं ये तो बहुत अच्छी बात है कि बीजेपी सरकार आपके लिए कुछ कर रही है, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि अभी तक रिजर्वेशन का सवाल क्यों नहीं उठा? आप इनके लिए इनके वोट तो ले लेते हैं, लेकिन महिला शौचालय, मेल शौचालय, पुरुष शौचालय, किन्नर शौचालय क्यों नहीं बनाते? Why not? ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जो हम इस फिल्म में दिखाएंगे। एजुकेशन, ऑफ कोर्स एजुकेशन के बारे में, जब नहीं, मुझे सबसे ज्यादा दुख ये लगता है कि हमारी बहन कोई भी सड़क पे चलती है या कहीं में भी जाती है तो उस पर पुरुष हो या महिला हंसती है। Why? क्यों? मैं, मुझे तो कुछ भी इनकम्प्लीट नहीं लगता, आपकी नजर में क्यों लगता है? आपने देखा जूली का, मेरी फ्रेंड जूली का डांस, बताइए क्या कमी है इसमें? कितने खूबसूरत है डांस, कितना अच्छा किया है, क्या कमी है आप मुझे बताइए। मैं कहती हूँ बहुत बड़ी बड़ी किताबों में लिखा है, नथिंग इज इम्पॉसिबल एंड नोबडी इज परफेक्ट। मैं लड़की पैदा हुई हूँ, मुझमें भी कुछ कमियां होगी, आप कोई लड़का पैदा हुआ है उनमें भी कुछ कमियां होगी, तो कहीं से थोड़ी सी कमी होने से उन्हें इल्जाम में लगाते हैं, उन पे हंसते नहीं है। इसलिए मैं ये फिल्म कर रही हूँ, समाज के लिए फिल्म करना चाहती हूँ, और ये फिल्म में दिखाना चाहती हूँ कि इनका कसूर नहीं है, किसी का कसूर नहीं है। हाँ, कुछ लोग, मुझे बहुत दुख होता है कि जब एक, मुझे माफ करना, किन्नर पैदा होता है तो उसे छुपा दिया जाता है घर में, पहले होता था, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ, आज की तारीख में बहुत खुश हूँ कि कुछ लोग हैं हाई क्वालिफाइड हो गए, एजुकेशन अच्छा हुआ है, अपने अपनी जगह पे अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए। मैं पिछली सरकार की तो बात नहीं कर सकती हूँ, हाँ, लेकिन महाराष्ट्र सरकार, हमारी मोदी सरकार जी से तो डेफिनेटली वो अच्छा काम करते हैं, अच्छा काम करते आएंगे। मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे बहनों के लिए शौचालय बनाया जाए, वेलफेयर बोर्ड, ट्रेन का डिब्बा, यस, और बोले, बोलो आज अपना दिन है, ट्रेन का डिब्बा बनाया जाए, और स्कूल,
बहुत सुना है सब पढ़े आगे बढ़े, इनका भी तो स्कूल होना चाहिए ना। अगर पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो ये सड़क पर भीख मांगेंगे ना। यस, और अगर इनके लिए कुछ नहीं कर सकते तो इनका टैक्स भी नहीं लेना चाहिए और इनका वोट भी नहीं लेना चाहिए। हाँ, तो वोट लेते हैं, टैक्स लेते हैं, तो जितना हमको हक मिलता है इन्हें भी मिलना चाहिए। अभी नहीं चिखोगे तो कब चिखोगे? हमारा हक दो, इसीलिए रानी साहब पहली बार किंडरगार्टन है। हाँ, और मैं भी करूंगी खतरनाक एक्टिंग, लक्ष्मी तुम ही नहीं कर सकती। तो दोस्तों, दर्द होता है कहने के, बहुत दर्द होता है। हम सब ईश्वर की नजर में एक समान है, सबको इज्जत मिलनी चाहिए, सबको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। कहते हैं ना कि मेरी नजर में वो हिजड़ा है जो दूसरों पे हंसता है, वो हिजड़ा है जो बलात्कार करता है, वो हिजड़ा है जो गांधी टोपी पहनकर गलत इस्तेमाल करता है कुर्सी का, वो हिजड़ा है जो बॉम्ब बनाता है, वो हिजड़ा है जो आतंकवादी है, वो हिजड़ा है जो देश को बर्बाद करता है। ये नहीं है, ये हमारी बहने हैं। तो रिस्पेक्ट ऑल, थैंक यू सो मच। We'll be right back.